हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन क्लेरी कॉन्सेप्ट। आज के सेशन में हम लोग ट्रॉफी बैलेंसिंग टॉपिक कवर करेंगे, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सी लेक्चर नंबर 2 बिफोर दिस सेशन। टू अंडरस्टैंड रोटरी बैलेंसिंग इन सिंपल मैनर, लेट्स टेक वन व्हील। अब ये व्हील कार पे लगा हुआ है और कार हाई स्पीड से मूव कर रही है। वो समय पे आपको जर्क फील होता है क्योंकि व्हील अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे यहाँ पे ग्रीन स्पॉट किया है, वहां पे नॉन यूनिफॉर्म मास की वजह से अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो रहा है और टायर रोटेट के साथ जर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्वेश्चन होता है, कहाँ से अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? फॉर दैट बैलेंसिंग मशीन यूज विच इज हेल्पिंग टू एनालाइज अनबैलेंस फोर्स विथ हेल्प ऑफ कंप्यूटर। बाय एनालाइजिंग दैट फोर्स हम लोग क्लिप इंसर्ट करते हैं और ये क्लिप जो है वो अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस फोर्स में कन्वर्ट करता है और ये मेथड को व्हील बैलेंसिंग भी बोला जाता है, जो आप लोगों ने सुना होगा। जब भी टायर बदलने की बात आती है या फिर पंचर हो गया हुआ टायर को ज्यादा मूव कराया गया होता है, वो समय पर बैलेंसिंग रिक्वायर होता है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल विच इज अ टर्बाइन। आप सभी ने देखा होगा कि टर्बाइन में बहुत सारी ब्लेड्स होती है, पर जब भी कोई एक ब्लेड टूट जाए या फिर बैंड हो जाए, वो समय पर टर्बाइन रोटेट के साथ जर्क, नॉइस एंड वाइब्रेशन क्रिएट करता है और ये साइन शो करता है कि टर्बाइन के अंदर अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हुआ है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टर्बाइन रोटेट भी हो रहा है और उसके साथ वाइब्रेट भी हो रहा है। तो ये रिमूव करने के लिए, मतलब कि अनबैलेंस फोर्स जो है उसको रिमूव करने के लिए नई ब्लेड डाली जाती है या एक्स्ट्रा मास ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक टर्बाइन है जिसके अंदर येलो कलर की ब्लेड्स है जो बैंड हो चुकी है, तो वो अनबैलेंस फोर्स क्रिएट कर रही है। उसको बैलेंस करने के लिए रेड कलर के स्मॉल मास के ब्लॉक है वो लगाए गए हैं उसके ऊपर। आप सभी देख सकते हो कि शाफ्ट के ऊपर एंड पे रोटर लगाया है, जो रोटर रोटेट भी हो रहा है विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। पर साथ में ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि रोटेट के साथ शेक भी हो रहा है और शाफ्ट इज रोटेटिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑन दैट ऑल्सो विथ हेल्प ऑफ मोटर, बट वाई डज इट शेक और वाइब्रेट? इसकी रीजन है अनबैलेंस फोर्स। सो नाउ क्वेश्चन क्रिएट इन योर माइंड, हाउ दिस अनबैलेंस फोर्स क्रिएट? जब भी कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट शाफ्ट पे रखा गया होता है, वो समय पे ऑब्जेक्ट का जियोमेट्रिक सेंटर लाइन और रोटेटिंग की वजह से क्रिएट हो रहा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का सीजी, मतलब कि सेंटर ग्रेविटी, और ये सेंटर ग्रेविटी से पास होती हुई इनर्शिया एक्सिस सेम ना हो, मतलब कि कोलिनियर ना हो, वो समय पे अनबैलेंस फोर्स क्रिएट होता है इन रोटरी सिस्टम। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन इन योर माइंड कि कैसे मास को प्लेस करें, क्यों रिमूव करें, सच काइंड ऑफ हाउ डज अ प्लेस एक्स्ट्रा मास टू बैलेंस द सिस्टम। तो देर आर डी मैनी अनबैलेंस फोर्स इन एनी रोटरी सिस्टम, इट मे बी वन और मोर देन दैट। फॉर दैट हियर डिफरेंट मैथड्स, मेनली फोर मैथड्स, इन विच फर्स्ट वन इज बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मास सिस्टम बाई अ सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। सेकेंड वन इज अ बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन सेम प्लेन। थर्ड वन इज बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मास सिस्टम बाई टू मासेस रोटेटिंग इन अ पैरेलल प्लेन। Fourth one is a balancing of different masses rotating in the different plane. So there are four methods in which we are going to conduct in this session, only two methods. So methods बताने से पहले balancing method के solution type के बारे में बात करते हैं। So here rotary balancing system having a mainly two types. One is a graphical method जिसके अंदर हमें diagram draw करके accuracy के साथ answer मिलेगी, और the second one is a analytical method जिसके अंदर हम maths की equations, मतलब mathematical modeling करके उसको solution करके answer मिल पाएंगे।
लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट मेथड ऑफ रोटरी बैलेंसिंग, जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मास सिस्टम बाय अ सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, और आल्सो नोन एज अ स्टैटिक बैलेंसिंग ऑफ रोटर बाय एडिंग और रिमूविंग द वन मास इन द सेम प्लेन। हियर टू अंडरस्टैंड दिस, एक शाफ्ट लेते हैं जिसके ऊपर एक रोटर रखा गया है जो एन आरपीएम से रोटेट हो रहा है, और यहाँ पे दिखाया गया ब्लू कलर एक प्लेन शो कर रहा है जिसके ऊपर अनबैलेंस मास है, जो अनबैलेंस मास एम है जिसकी रेडियस आर पे वो रखा गया है। ड्यू टू अनबैलेंस मास यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। टू रिमूव इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स इन द सेम प्लेन, वी हैव टू ऐड वन एक्स्ट्रा मास फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पे एक रोटर है जो शाफ्ट पे लगा हुआ है और एम वन मास जो है वो अनबैलेंस है। To remove the effect of this m1 mass, we have to add some mass. So हम उसके सामने की साइड m2 जितना मास ओवर कर रहे हैं। और ये दोनों 180 पे है, मतलब कि एक दूसरे के सामने। एक दूसरे के सामने के रखने का मतलब है कि opposite each other है और equal होने से वजह kill कर पाएगा। मतलब कि दोनों के effect है remove हो जाएगी और balance easily कर पाएगा। तो यहाँ पे m1 mass जो है वो center से r1 radius पे रखा गया है और m2 mass जो है वो सेंटर से आर2 रेडियस पे रखा गया है। ये हमें पता चल गया कि जो मास है उसको बैलेंस करने के लिए, मतलब कि अनबैलेंस फोर्स जो है उसको बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा मास ऐड करना पड़ेगा, वो भी ओपोजिट में ही होना चाहिए। पर हमें ये नहीं पता है कि कितना मास ऐड करना है, कौन से रेडियस पे करना है। उसको जानने के लिए हमें सॉल्यूशन मेथड पे जाना होगा। अब हम सॉल्यूशन मेथड में दो बात करेंगे, पहला होगा ग्राफिकल और एनालिटिकल। पर जब भी हम सेम प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि कपल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगे, तो कपल के बारे में बात नहीं करते हैं, तो सिर्फ फोर्स के बारे में ही बात करेंगे। अब हम सिंगल मास के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब भी हम ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर एक फोर्स की वजह से एक पॉलीगोन नहीं रचा सकता और वो पॉलीगोन क्लोज भी नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ एक फोर्स जब प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से ग्राफिकल मेथड यूज नहीं होती है। तो हमें सिर्फ एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे जब हमारा सिंगल मास है और सेम प्लेन है। एनालिटिकल मेथड में भी सेम प्लेन की वजह से कपल को कैलकुलेट नहीं किया जाता है क्योंकि वो प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब भी अनबैलेंस फोर्स था m1, उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा फोर्स m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी इफेक्ट को रिमूव करने के लिए सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने एक एक्स्ट्रा मास लगाया जो m2 है, और उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। तो इन द स्टार्टिंग m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स होगा जब भी सिस्टम में होगा। जब आप ये सिस्टम अनबैलेंस था उसको बैलेंस बनानी है, उसके लिए एक्स्ट्रा मास ऐड किया, तो वो क्या हो जाएगा, m1 r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग ये m2 r2 ओमेगा स्क्वायर है उसको इक्वल टू की दूसरी ओर जाने देंगे तो वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे को किल कर देगा, तो m1 r1 इज इक्वल टू माइनस m2 r2 बचेगा। अब ये इक्वेशन हम लोगों को दर्शाती है कि हमें कितना मास यूज करना चाहिए, कितनी रेडियस यूज करनी चाहिए। या m1 इज इक्वल टू m2 भी रख सकते हो, r1 इज इक्वल टू r2 भी रख सकते हो, या फिर m2 ज्यादा रखो और r2 कम रख दीजिए, वाइस वर्सा। सो यहाँ पे हमने सिर्फ फोर्स के बारे में बात की है। तो आप सब ने स्टैटिक और डायनामिक बैलेंसिंग सीखा था, जिसके अंदर हमने बताया गया था कि जब भी स्टैटिक बैलेंसिंग है उसके अंदर हम सिर्फ फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स के बारे में बात की है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक बैलेंसिंग का केस हो जाएगा जिसको हमने डिनोट किया है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी मेथड की ओर, जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन सेम प्लेन। तो ये मेथड के अंदर हम लोग डिफरेंट मासेस है वो सेम प्लेन में है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम प्लेन वर्ड यूज हुआ है, मतलब कि जब भी कोई चीजें सेम प्लेन में है तो कपल प्रोड्यूस नहीं करे। मतलब कि ग्राफिकल और एनालिटिकल अप्रोच के अंदर हम लोग कपल के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग फोर्स के बारे में बात करेंगे। अब ग्राफिकल मेथड यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मासेस है, एक से ज्यादा मासेस है तो पॉलीगन रच सकता है। तो यहाँ पे पहले हम ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करने से पहले एक इमेज देखते हैं, जो यहाँ पे शाफ्ट पे रोटर रखा गया है जिसके ऊपर तीन मास रखे गए हैं।
अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक सिस्टम है जिसको हम यहाँ पे साइड व्यू से देख रहे हैं। ये रोटर वाली सिस्टम जो है आपकी, उसको साइड व्यू से देख रहे हैं। तो क्या दिख रहा है आपको कि एम वन जितना मास जो है वो कुछ आर वन रेडियस पे है और थीटा वन एंगल पे है, जबकि एम टू जितना मास है वो आर टू रेडियस पे और थीटा टू जितने एंगल पे रखा गया है, जबकि थर्ड जो मास है वो एम थ्री है और वो आर थ्री जितनी रेडियस पे रखा गया है और उसका एंगल जो है वो है थीटा थ्री है। अब ये तीनों फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही इफेक्ट जो है वो सिस्टम में अनबैलेंस क्रिएट करे, मतलब कि ये तीनों की वजह से अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। ये इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मास ऐड करना पड़ेगा, पर ये जो एक्स्ट्रा मास है वो कहाँ से कितना ऐड करना चाहिए, कौन से रेडियस पे करना चाहिए, कौन से एंगल पे करना चाहिए, वो जानने के लिए हमें सॉल्यूशन मेथड यूज करनी पड़ेगी। तो सेम थिंग इन द सॉल्यूशन मेथड, कि सॉल्यूशन मेथड के अंदर दो आएगी, एक होगा हमारा ग्राफिकल मेथड और अनदर वन इज एनालिटिकल। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड में देखते हैं फोर्स पॉलीगॉन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो सिस्टम थी जो साइड व्यू से देखी थी वो है जिसमें एम वन मास है वो आर वन रेडियस पे और थीटा वन जितने एंगल पे था। तो इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा जो मास है आपका है वो क्या हो जाएगा, एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर, पर ओमेगा स्क्वायर है वो कॉमन रहेगा तो उसको हम रिमूव करते हैं, तो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रह जाएगा एम वन आर वन। और इसकी डायरेक्शन जो है वो आपको दर्शाती है कि वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि ये लेंथ है वो दर्शाता है कि वो एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ पे एम वन आर वन, उसी तरह से एम टू जो मास है वो आर टू रेडियस पे है और वो एंगल थीटा टू पे है, तो उसकी वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा होगा फोर्स आपका वो हो जाएगा एम टू आर टू ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम ओमेगा स्क्वायर को रिमूव करते तो क्या बच जाएगा, सिर्फ एम टू आर टू। तो यहाँ पे भी लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड दर्शा रही है और जो डायरेक्शन है वो एम टू आर टू ओमेगा स्क्वायर की डायरेक्शन बताएगी। अब बात करते हैं थर्ड मास एम थ्री की, जो आर थ्री रेडियस पे है और थीटा थ्री एंगल पे है, जो नीचे की ओर जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, नीचे की ओर, और उसका मैग्नीट्यूड जो है इक्वल टू लेंथ, मतलब कि वो क्या हो जाएगा एम थ्री आर थ्री। पर हम ग्राफिकल मेथड के बारे में जब बात कर रहे थे तब बताया था कि आपका जो पॉलीगॉन है वो क्लोज होगा तभी बता जाता है कि सिस्टम आपकी बैलेंसिंग है, पर यहाँ पे आपका पॉलीगॉन क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि एम थ्री आर थ्री का जो हेड है और एम वन आर वन जो फोर्स है उसका जो टेल है दोनों के बीच में जगह है, तो ये दोनों पॉइंट को हम जब ज्वाइंट करते हैं उसकी वजह से जो लेंथ दिख रही है वो लेंथ दिखाती है कि आपको इतना बैलेंसिंग फोर्स सामने लगाना पड़ेगा आपकी सिस्टम को बैलेंस बनाने के लिए। और ये जो डायरेक्शन दिखा रही है वो बता रही है कि ये एंगल पे आप मास को प्लेस कर सकते हो आपकी सिस्टम में, तो आपकी सिस्टम बैलेंस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एम मास हमने प्रोवाइड किया जो आर जितनी रेडियस पे है और थीटा जितने एंगल पे है, तो इस मेथड से हम एम आर और थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनालिटिकल अप्रोच की। एनालिटिकल अप्रोच है वो ज्यादातर यूज होता है क्योंकि ग्राफिकल मेथड है वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। पर आप लोगों को क्वेश्चन प्रोड्यूस हुआ होगा कि सिंगल जो मास था और सिंगल प्लेन में रखा है उससे भी सिस्टम है बैलेंस रह सकती है, तो हमें डिफरेंट मासेस की क्यों जरूरत पड़ी है, क्योंकि आपका जब भी स्ट्रक्चर है मतलब कि मशीनरी जो है जिसके ऊपर मास प्लेस किया है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और वहां पे कोई नट बोल्ट लगाए गए है या स्पेस नहीं है या एरिया कम है तो आप एक्स्ट्रा मास ऐड नहीं कर सकते, तो एक ही जगह पे एक्स्ट्रा मास ऐड नहीं कर सकते हो, तो उसकी जगह आप दो तीन डिफरेंट मासेस को डिफरेंट रेडियस पे प्लेस करके भी आपकी सिस्टम को बैलेंस बना सकते हो। अब हम एनालिटिकल अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं वो समय पे आपको ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि उसके लिए पहले हमें एक सिस्टम जो है उसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मास, रेडियस, एंगल और फोर्स के बारे में बात करें। यहाँ पे आपके सिस्टम में तीन मास है एम वन, एम टू, एम थ्री और एक बैलेंसिंग मास जो एम है। अब आपको ये नहीं पता है कि आपका जो बैलेंसिंग मास है वो एम है वो कितनी वैल्यू है, वो कौन से रेडियस पे है और कौन से एंगल पे है। तो यहाँ पे पहले हम मास लिखते हैं एम वन, फिर वो एम वन मास है वो रेडियस आर वन पे और थीटा वन जितने एंगल पे है, उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा फोर्स आपका है एम वन आर वन ओमेगा स्क्वायर जो है,
ओमेगा स्क्वायर कॉमन टर्म होने की वजह से उसको रिमूव करते तो फोर्स क्या बचेगा, सिर्फ एम वन आर वन। उसी तरह से एम टू जो मास है वो आर टू रेडियस पे, थीटा टू जितने एंगल पे, और एम टू आर टू है। सेम थिंग फॉर थर्ड मास। अब हमारा जो बैलेंसिंग मास है, जो इसको हम अभी एम तरीके से डिनोट कर रहे, तो एम हो जाएगा वो रेडियस आर पे है और कुछ एंगल थीटा पे होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। इसका फोर्स हो जाएगा एम आर। पर यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि आपका जो मास है वो कितना है, रेडियस कितनी है और थीटा कितना है, मतलब कि ये तीनों चीज है वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं किस तरह से फाइंड करनी चाहिए। तो एनालिटिकल अप्रोच के में आप सभी ने देखा था कि जो भी आपका फोर्स जो है इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फोर्स जो है वो डिफरेंट एंगल पे होने की वजह से उसके कंपोनेंट होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका जो मास था m1 r1 थीटा 1 या m2 m3 m, वो सब के कंपोनेंट होगी क्योंकि वो चारों मास है डिफरेंट एंगल पे। तो उनके कंपोनेंट लिखते हैं, तो cos के सारे कंपोनेंट और sin के सारे कंपोनेंट डिनोट लिखते हैं हम। ये होने के बाद आपको सिर्फ फोर्स इक्वल टू जीरो नहीं करना है, मतलब कि एनालिटिकल अप्रोच में बैलेंसिंग सिस्टम कब बोला जाता है कि जितने भी फोर्स है उसका सम इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पर ये जो फोर्स है उसके कंपोनेंट है, तो दोनों कंपोनेंट मतलब कि कोस थीटा के सारे कंपोनेंट प्लस साइन थीटा के जितने भी कंपोनेंट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि आपका जो भी कंपोनेंट था, यहाँ पे हम लोग पहले कोस के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो m1 r1 cos थीटा 1 प्लस m2 r2 cos थीटा 2 प्लस m3 r3 cos थीटा 3 प्लस mr cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। पर यहाँ पे हम लोगों को mr cos थीटा की वैल्यू नहीं पता है, मतलब कि m भी नहीं पता है, r भी नहीं पता है और थीटा भी नहीं पता है। तो उसके लिए हम लोग mr cos थीटा को इक्वल टू की दूसरी ओर ले चलते हैं, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर a बोलते हैं। अब ऐसे ही हम साइन कंपोनेंट करते हैं, तो sin component के लिए m1 r1 sin theta 1 plus m2 r2 sin theta 2 plus m3 r3 sin theta 3 plus mr sin theta equal to 0 होगा। अब यहाँ पे भी हमें mr sin theta मतलब mr और theta तीनों की value नहीं पता है, तो अगेन हम mr sin theta को equal to की दूसरी ओर ले चलते हैं, जिसको हम लोग equation number b बोलेंगे। अब हम equation number b और a का ratio लेते हैं, जिससे हमें tan थीटा की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी टर्म्स है, वो सब की हमें वैल्यू पता है। और राइट हैंड साइड mr जो ऊपर और नीचे की ओर है, दोनों एक दूसरे को निगलेक्ट कर देंगे, तो हमें यहाँ से tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो tan इनवर्स करने से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये थीटा की जो वैल्यू मिली है हमें, उसको हम a या b दो में से कोई भी इक्वेशन में यूज करके mr की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन a के अंदर थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, जिससे हमारा इक्वेशन नंबर a m1 r1 cos थीटा 1 plus m2 r2 cos थीटा 2 plus m3 r3 cos थीटा 3 is equal to minus mr cos थीटा। अब ये cos थीटा को हम डिनोमिनेटर में ले चलते हैं, जिसकी वजह से minus mr की वैल्यू मिल जाएगी, जो होगी हमारी वैल्यू इज इक्वल टू एम आर। इस तरह से हम एम आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं और हमें एम आर और थीटा की वैल्यू इजीली मिल सकती है, और वो भी एक्यूरेट कंपेयर टू ग्राफिकल। अब यहाँ पे जो डिफरेंट मासेस का मतलब कि केस टू था, उसके अंदर मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही मास लिया है टू बैलेंस दैट। पर जब भी आपके कंपोनेंट में जगह नहीं होगी तो आपको वो एक मास की जगह दो तीन मास लगाने पड़ेंगे, तो आपको दो तीन अननोन फाइंड करने पड़ेंगे, वो भी इस तरह से फाइंड किए जा सकते हैं। फॉर द सिंपलिसिटी मैंने सिर्फ एक मास लिया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस नेक्स्ट टू मेथड्स ऑफ रोटरी बैलेंसिंग। सी यू सून गाइस। सो हियर द लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।